सबसे पहले आप सरकारीजुड.com पे जाएं, उसके बाद RRB NTPC पे क्लिक करें। उसके बाद आपका पेज खुलेगा जहाँ पे आपको सारे इंफॉर्मेशन दी होगी, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी, एलिजिबिलिटी वगैरह, और ये सारे सीट्स अवेलेबल जितने हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 10+2 और बैचलर के स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एज लिमिट भी दी हुई है, देख सकते हैं आप। उसके बाद अप्लाई करने के लिए नीचे जाएं और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका पेज खुलेगा और यहाँ पे दिया हुआ, अगर आप न्यू हैं तो आप पहले रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रेशन पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दी हुई है आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी जगह पे, जैसे कि मैंने अप्लाई किया कोलकाता पे। ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे जितने सीट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे जाकर क्लिक करें। मैंने कोलकाता में अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पे है क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यू आर अप्लाइंग, तो सेलेक्ट 10+2 पे मैंने सेलेक्ट किया। आप बैचलर पे सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पे, और ये समुदाय सेलेक्ट करें, अरे पर्सन, अगर आप यहाँ पे नीचे अप्लाई पे क्लिक करें। इस सारी प्रोसीजर दी हुई है कैसे अप्लाई करना है, पढ़ सकते हैं अपने आप से, ये सारे पढ़ के इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है आपको अप्लाई करने के लिए, ये सारी दी हुई है। नीचे जाएं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करना है, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह। नीचे जाने के बाद अब फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये दोनों क्लिक करना है, ये दोनों पॉइंट्स में, इसमें आप दो गॉट अंडरस्टैंड अगर आपको समझ में आ गई तो, और डिक्लेयर करना है आपको। फिर सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारे फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे कि पहले हम स्टार्ट करेंगे नेम से, पहले नेम भरना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद नीचे जाएँ, ये सारी चीज़ें हैं, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, सारी आपको फिलअप करनी है। उसके बाद पहले फिलअप करेंगे हम, उसके बाद सबमिट, आई हैव वेरीफाइड, फिर सबमिट करना हमको। सबमिट करें, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ओटीपी, ईमेल आईडी भरना आपको, फिर आपके ईमेल आईडी में ओटीपी आएगा, फिर आपको ओटीपी को यहाँ पे भरना। वेरीफाई करने के बाद लॉग इन करें, लॉग इन आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और डेट ऑफ बर्थ, और नीचे दिए गए हुए कैरेक्टर को भरना है आपको। भरने के बाद लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा जहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन, कितने क्वालिफाइड हैं, 12th, फिर आपको 12th के परसेंटेज डालनी होगी यहाँ पे, फिर कम्युनिटी, रिजर्व या अनरिजर्व्ड भरना आपको, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन भरना होगा। उसके बाद क्या आप डिसेबल्ड हैं, नो, क्या आप किसी भी एक्स सर्विस मैन हैं, पहले
काम कर चुके हैं इसमें रेलवे में, या फिर आप किसी गवर्नमेंट अप्लाई हैं, सबमिट उन्होंने करना आपको। अगर आप हैं तो कर सकते हैं यस। उसके बाद आपको भरना है कि आप ग्रुप सी ग्रुप डी में किसी में सर्व कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो नो कर रहा हूँ मैं। अगर आप करते होंगे तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको भरना है किसी पिछड़े वर्ग में हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में, अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके भरने के बाद आपको सेव करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट मोड पे जाएं, जहाँ पे आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बैंक पे सेलेक्ट किया है। पे करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अगर आप किसी से भी पे कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट में अगर आप SBI के तो SBI से, अगर अदर बैंक हैं तो अदर बैंक से। जैसे कि मेरा SBI में अकाउंट है तो मैं SBI पे क्लिक करूँगा, तो SBI पे क्लिक करें, कार्ड पेमेंट SBI पे क्लिक करें। इसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हाइड किए हुए हैं, यहाँ पे आपको 500 पे करना पड़ेगा। इस पर आप कंफर्म करें। आपको करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड डिटेल्स आपकी मांगेगी, आपको भरना होगा यहाँ पे आपके कार्ड डिटेल्स, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट या CVV। इसके बाद पे पे क्लिक करें। कार्ड डिटेल डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है उस पर OTP आएगा, OTP को यहाँ पर डालें। पेमेंट करने के बाद रिफ़ंड के लिए अगर आप उसी अकाउंट पे रिफ़ंड करना चाहते हैं तो यस पे करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट वाइज प्रेफरेंस दी हुई है, अब नंबरिंग वाइज सेलेक्ट करें कौन सा पोस्ट चाहते हैं आप, तो सेट प्रेफरेंस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज दी हुई है, आप नंबरिंग यहाँ सेलेक्ट करें कौन सा पोस्ट पहले चाहते हैं, प्रेफर करना चाहते हैं, ऐसे करके 10 तक सेलेक्ट करें, नंबरिंग दें 10 तक। उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करें, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना है, आपको मैट्रिक्स की कौन सा बोर्ड आपने दिया हुआ है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट से दिया हुआ है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग वगैरह, CGPA वगैरह, परसेंटेज वगैरह, यहाँ 12th के भी डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे सेम। उसके बाद अदर डिटेल में आपको भरना पड़ेगा मदर्स टंग, चॉइस ऑफ एग्ज़ाम लैंग्वेज वगैरह, और ये नीचे। उसके बाद आपको यहाँ मदर टंग आपको सेलेक्ट करना है कौन सा लैंग्वेज आपका मदर टंग है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है हिंदी। चॉइस ऑफ लैंग्वेज आप इंग्लिश या कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी वगैरह कोई भी, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिए गए हुए फर्स्ट और लास्ट बॉक्स पे क्लिक करें। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट करने के बाद सबमिट कर दें। फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए कैफ़े पे जाके अपलोड करवा लें, अगर और फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए और जैसे कि ऊपर में दिया हुआ वैसा ही होना चाहिए, और नीचे में जो फ़ोटो है वैसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।